डू माई क्रिस्टियन लाइफ, मेरे मसीह जीवन के दरमियान ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी मोस्ट, एक चीज ने मेरी बहुत सहायता की, इज द रेवलेशन गॉड गेव मी, जो प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया। एवरी टाइम व्हेन आई गेट अ न्यू रेवलेशन, जब कभी मुझे नया प्रकाशन मिलता है, आई वेंट इनटू अ न्यू लेवल ऑफ ग्लोरी, महिमा के दूसरे स्तर पे चला गया। नॉट हाउ मच यू प्रे, ये नहीं कितना आप प्रार्थना करते, नॉट हाउ मच यू रन, कितना दौड़ते वो मैंने नहीं रखता, हाउ मच गॉड्स रेवलेशन यू गेट, कितना परमेश्वर का प्रकाशन आपको मिलता है, दैट विल टेक यू टू हायर ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी, वही आपको ऊंचे महिमा में लेके चलेगा। एवरीबॉडी से रेवलेशन, बोलिए प्रकाशन, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से, विल चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी को बदलेगा। इट्स नॉट योर फास्टिंग, आपका उपवास नहीं, इट्स द रेवलेशन फ्रॉम द बाइबल, परमेश्वर के वचन से प्रकाशन। I never wanted to marry in my life. मैं अपनी जिंदगी में कभी विवाह करना नहीं चाहा। I was trembling to marry. मैं कांपता था शादी करने के लिए। Because I have counseled many families before my marriage. मेरे विवाह के पूर्व मैंने कई परिवारों को सलाह दी है। I know that the problems of your married life. क्योंकि मैं जानता हूँ विवाह के पश्चात जो समस्याएं आती हैं। I fell in love with Jesus. मैं यीशु के प्यार में पड़ गया। I was very satisfied with Jesus. मैं यीशु के साथ बहुत संतुष्ट था। I never wanted another person to make me happy. मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में आए खुश करने के लिए। I want to tell you one news. एक आपको शुभ समाचार दे रहा हूँ। If you look for anyone for your happiness other than Jesus, you will be terribly disappointed. यदि आप यीशु को छोड़ के किसी और व्यक्ति को अपनी खुशहाली के लिए ढूंढेंगे, सबसे भयंकर भूल होगी आपकी। 100% prophecy. 100% की भविष्यवाणी है। If you don't see it today, tomorrow you will realize. यदि आप इस बात को आज नहीं देखेंगे तो कल निश्चित तौर पे देखेंगे। Nobody can take the place of Jesus in your life. आपकी जिंदगी में यीशु के स्थान कोई दूसरा ले नहीं सकता। If you could keep somebody at least next to Jesus, even the next person will break your heart. यदि आप यीशु के बदले में किसी व्यक्ति को रखना चाहेंगे, निश्चित जानिए वह आपके दिल को तोड़ के रख देगा। Nobody can stand next to Jesus. यीशु के स्थान में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। Hallelujah. Hallelujah. I am in the ministry. मैं सेवकाई में हूँ। I have traveled almost the whole world. मैं लगभग सारी दुनिया यात्रा कर चुका। Just by 10-day seminar. 10 दिन के सेमिनार के दरमियान। I have trained 50,000 plus people. 50,000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने प्रशिक्षित किया है। Many of my trainees are much much more powerful than Ezekiel Francis. और मेरे जो मेरे हाथ के नीचे शिक्षा को पाए वो Ezekiel Francis से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। They have a better ministry, better car, better house, better money, better office than me. और जो मेरे हाथ के नीचे पड़े उनके पास बेहतर घर, बेहतर ऑफिस, बेहतर कार, सब बेहतर है मेरे से बेहतर और अच्छा। They do much much more miracle than me. मेरे से भी बढ़ के वो ज्यादा चमत्कार को करते हैं। So I have seen all those things. इन तमाम चीजों को मैंने देख लिया है। But nothing makes me happy. लेकिन मेरे को कोई भी चीज खुश नहीं करता। Only Christ Jesus makes me happy. सिर्फ यीशु मसीह मेरे को खुश करता है।
If your joy is in the ministry, यदि आपका आनंद आपकी सेवकाई में है, that ministry will break your heart. वो सेवकाई आपके दिल को तोड़ के रख देगा. If you are excited about your congregation, यदि आप अपनी सभा के लोगों के बारे में बड़े उत्साहित हैं, more than the Lord Jesus who called you into the ministry, यीशु मसीह से भी बढ़ के जिसने आपको सेवकाई में बुलाया है, that congregation will disappoint you. जो सभा के लोग हैं आपको निराश कर देंगे. Nobody can take the place of my Jesus. मेरा यीशु का स्थान कोई नहीं ले सकता. Hello. Hello. If your family is more exciting than Jesus, यदि आपका परिवार यीशु से ज्यादा आपको उत्साहित करता है, your family will break your heart more than anybody else. आपका परिवार किसी और से ज्यादा आपके दिल को तोड़ेगा. It's not prophecy. ये भविष्यवाणी नहीं है. It's not my ये मेरा सिर्फ ऐसा ही curse. नहीं श्राप नहीं है. It is 100% truth. ये 100% सत्य है. I am the Lord. मैं प्रभु हूँ. Is there anyone like me? मैं प्रभु हूँ. क्या मेरे बिना कोई दूसरा है? Settle this question now. इस सवाल को आप अभी बिल्कुल सुनिश्चित और सही कर लीजिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए. Come on. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए पवित्र आत्मा, पवित्र फुलमल बलनु हस्को मम्मा अलमा हत्रो बलमिन बलमो बलमरे अतोला बलमा नको There is only one safe way. सिर्फ एक ही बिल्कुल सुरक्षित मार्ग है. That's not your own way. आपका मार्ग नहीं है. That's Jesus the way. वो यीशु मसीह ही मार्ग है. There is only one reality. सिर्फ एक ही सच्चाई है. Only one reality. मात्र एक ही सच्चाई है. Everything else is a झूठा झूठा झूठा. बाकी सब चीज झूठा 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 है. That is Jesus. और वो है यीशु. Only one life. एक ही जीवन. Listen to me. मेरी बात को सुनिएगा. In this body. इस देह में. Everybody say it with. In this body. सब बोलिए इस देह में. Say it. In this body, इस देह में, only one person can live. सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा. Turn to your neighbor. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़िए. दो व्यक्ति ये शरीर के अंदर नहीं जी सकता है. दो व्यक्ति इस शरीर के अंदर नहीं रह सकता. Two people cannot live in this body. इस शरीर में दो व्यक्ति नहीं जी सकता. Only one person. सिर्फ एक ही व्यक्ति. Who is that? वो कौन है? Jesus lives in me. यीशु मुझ में जीवित रहता है. Not Jesus and Ezekiel. सिर्फ यीशु या यजकिया नहीं. No. नहीं. Paul says. पौलुस कहता है. I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया. Still I live. मैं फिर भी जीवित हूँ. It's not I who lives. ये वो नहीं कि मैं जीवित हूँ. It's Christ lives in me. ये मसीह मेरे अंदर में जीवित रहता है. It's not I who lives. ये मैं नहीं रहता. It's Christ lives in me. मसीह मुझ में रहता है. Only he can live in you. सिर्फ वही आपकी अगुवाई कर सकता. When you live, जब आप जीवेंगे, खत्म हो गया.
सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी 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 माया काली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया का मेला। इवन योर चर्च बिल्डिंग यू हैव टू लीव, आपका चर्च बिल्डिंग जो आपने बनाया वो भी छोड़ना पड़ेगा। ब्रदर, गॉड हैज गिवन मी 10 कार और मुझे 10 कार मेरे पास में है। बट कैन आई टेल यू वन बैड न्यूज, एक बुरा समाचार दूं आपको, वन टाइम यू कैन ट्रेवल इन ओनली वन कार। एक बार जब आप यात्रा करेंगे सिर्फ एक ही कार में यात्रा कर सकते हैं। बाप रे, अरे बाप रे। Brother, I have your big church, brother. Oh, bhai, mere paas bahut hi bada church imarat hai. My big day, na brother, my big day. Aur jo hai na mera bed 50 feet length. 50 feet lamba hai. Can I tell you good news? Aapko shubh samachar dun? When you die. Jab aap marenge na. काली आया खाली जान, धोखा ही धोखा है ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। Me, nonsense. मैं, बेकार की बात। My church. बोलते ना मेरा चर्च, मेरा चर्च, मेरा चर्च। मेरा आत्मा, मैं मकितले सट्टा। मेरा अपना बोलते हैं। They are my soul. They are my soul. No, no. You have only one soul. वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है नहीं, आपके पास सिर्फ एक ही आत्मा है। They are all my sheep. They are not your sheep. भैया, ये यीशु मसीह का sheep है। कई लोग बोलते हैं ये मेरी भेड़े हैं, आपकी भेड़े नहीं, यीशु की भेड़े हैं भैया। क्या आपका पागल हो गया क्या? कह रहे आप पागल हो गए हैं क्या? कौन बोला है वो आपका फ्लॉक करके? किसने कह दिया आपको कि वो आपका झुंड है? यीशु है सच गड़रिया, आप लोग वो झूठा। Malio shikaraba seta. Ira baba shikotono moriya raba. Only one can live in your body. Sirf ek hi insaan aapke andar mein reh sakta hai. Decide today. Aaj nirnay le lijiye. It's not I. Ye main nahi. Christ. Masih. Lives. Jeevit rehta hai. His life. Ye jeevan. In me. Mere andar mein. In my early days, मेरे शुरुआती दिनों में, I fasted. मैंने उपवास और उपवास किया। Cried. रोता और रोता रहा। I don't think any women in this congregation would have cried like Ezekiah friends. मैं नहीं सोचता कोई यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं भाई यजकिया के जैसे रोए होंगे जितना इन्होंने रोया। Yeah, you cried for onion, you cried for sari, you cried for garlic. I cried for Jesus. और आप हो सकता है प्याज के लिए रोए होंगे, अदरक लहसुन के लिए रोए होंगे, लेकिन मैं यीशु के लिए रोया। You know what I thought? मैंने क्या सोचा मालूम है? I have to make him happy.
और मुझे ऐसा बड़ा चीज को बनाना है. I had to please him. मुझे उसको खुश करना है. I had to make walk before him. मैं उसके सामने मुझे चलना है. I must please him. मुझे उसको खुश करना है. I must not fall into sin. मैं पाप में कभी ना गिरूं. I have to serve him. मुझे उसकी सेवा करना है. I have to run for him. मुझे उसके लिए दौड़ना है. So I used to cry and cry. तो मैं रोया और रोया करता था. कांटो में चलूंगा तेरे लिए. और तब परमेश्वर ने कहा चलूंगा तेरे लिए. कष्ट भी उठाऊंगा तेरे लिए. और कहा कष्ट भी उठाऊंगा तेरे लिए. I cried and cried and cried. मैं रोया और रोया और रोया. I found out. मैंने पता लगा लिया. I am wasting my time. मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ. I can never make him happy. मैं कभी उसको खुश नहीं कर सकता. I found out. मैंने इस बात को जान लिया. I can never कष्ट भी उठाऊंगा तेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए. और ऐसा है कि कितना भी कष्ट भी उठा लूं कुछ नहीं चाहिए. One day God opened my eyes. एक दिन परमेश्वर ने मेरी दृष्टि को खोल दिया. There is no good thing in your flesh. तुम्हारे शरीर में कोई भी अच्छी बात नहीं है, प्रभु ने कहा. The more you try. जितना तुम रोगे. The more you get dry, उतना तुम सूखते जाओगे. The more the devil will fry, जो उतना शैतान आपको भूंजेगा. I understood. मैं इस बात को समझ गया. मेरा effort waste. मेरा जो परिश्रम है व्यर्थ हो गया. It's like a rat. ये ऐसा है चूहे के समान. Fasting 40 days to become like an elephant. और 40 दिन उपवास कर रहा है कि हाथी के समान बन जाए. I found out. मैंने पता लगा लिया. Then God opened my eyes. परमेश्वर ने मेरी दृष्टि को खोली. You cannot live for me. तुम मेरे लिए जी नहीं सकते. With this flesh and blood. इस शरीर और देह, इस मांस और लहू में तुम मेरे साथ नहीं रह But सकते. But I ask you only one thing, Ezekiah. मैंने Ezekiah, मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ. You give me permission. तुम मेरे को इजाजत दो. I will live my life in you. मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे अंदर में जीऊंगा. I will live. मैं जीऊंगा. You cannot live my life. तुम मेरी जिंदगी जी नहीं सकते. You cannot live holy. तुम पवित्र नहीं बन सकते. You cannot be humble. तुम नम्र नहीं बन सकते. You cannot be success. आप कामयाब नहीं हो सकते. There is no good thing in the flesh. इस शरीर में तो कोई भी अच्छी बात नहीं है. Only I can live. मैं सिर्फ रह सकता हूँ. Divine life. एक अलौकिक जीवन. You give me your body. तुम अपना देह मुझे दे दो. You give me your mind. तुम्हारा मन दे दो. You give me your thin body. तुम्हारा अपने पतले दुबले शरीर को दे दो. You give me your emotions. तुम अपनी भावनाओं को दे दो. I will come inside. मैं उसके अंदर में. I will live my life. मैं अपनी जिंदगी उसमें जीऊंगा. You cannot bless anyone. तुम किसी को आशीषित नहीं. Only I can bless everyone. मैं सबको आशीषित कर सकता हूँ. So don't expect. Don't try and try. So इसलिए तुम कोशिश और कोशिश मत करो. If you try and win, यदि तुम कोशिश कर को जीतोगे, you will take the glory. तुम महिमा को ले लोगे. I never share my glory with anyone. मैं किसी के साथ अपनी महिमा नहीं बांटता. Man can never live a God-pleasing life. इंसान कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी सकता. Only God can live His life. In a man's body, soul, spirit. श्री परमेश्वर अपनी जिंदगी मेरे प्राण आत्मा और शरीर में जी सकता है. So one day I told Jesus. एक दिन मैंने यीशु से कह दिया. I tried. मैं रोया. I failed. मैं असफल हो गया. I fasted. मैं बिल्कुल. I wasted. मैंने समय को बर्बाद. I ran. मैं भागा. I fell. मैं गिरा. I understood. इस बात को समझा. I can do nothing of myself. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. I am a branch. और मैं एक डाली हूँ. What can branch do? एक डाली
खाली कर ही क्या सकता है. Only you have to supply. आपको सिर्फ आपकी सहायता चाहिए. You supply, I apply. और आप देते हो, मैं उसको लागू करता हूँ. So I told the Lord. मैंने प्रभु से कह दिया. I cannot do it, Lord. मैं नहीं कर सकता प्रभु. Jesus said, very good. यीशु ने कहा, बहुत अच्छी बात. This is what I was waiting for many years. कई साल से मैं इसी की तो इंतजार कर रहा था. I wanted you to know you are a Mr. Failure. और मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को जाने कि तुम श्रीमान असफल हो. Now you want me to say I am Mr. Success. आप हम बोल सकते हैं कि हम श्रीमान सफल हैं. So he said. उसने मुझसे कहा. Can I live my life? क्या मैं अपनी जिंदगी जीऊं? I said, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. मैंने कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ हाँ. From that day, उस दिन के बाद से, till now, आज तक, every day, हर एक दिन, I say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. अब से मैं कहता हूँ, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु. This hand is not mine, it's your hand, Prabhu. मैं बोलता प्रभु ये हाथ मेरा नहीं अब आपका है. This eye is not mine, it's yours, Prabhu. मैं बोलता प्रभु ये आँख मेरी नहीं आपकी है प्रभु. The more I say that, जितना मैं कहता हूँ, the more he is excited. वो और भी हमारे जीवन में उभरता है. Then he begins to walk in me. और तब वो मेरे अंदर में चलने लगा. He uses my eyes to see people. वो मेरे आँखों को इस्तेमाल करता है कि मैं लोगों को देख सकूं. Now I become a Jesus box, not tiffin box. और अब मैं यीशु का बक्सा बन गया, टिफिन बॉक्स नहीं हूं मैं. Now I become a Jesus lorry. I carry him, drrr, Jesus inside. अब मैं यीशु मसीह का गाड़ी बन गया. अब मैं उसको लेके चलता हूँ मैं. Now. अभी. My job. मेरा काम. Is to carry him. उसको लेके चलूँ. His job. उसका काम. Is to care for me, care for everybody. वो मेरी चिंता करे और सबकी चिंता करे. This changes your ministry. और ऐसे करने से आपकी सेवकाई बदल जाएगी. This changes your Christian life. और ये है आपका मसीही जीवन. This makes you your life thrilling. और ये आपकी जिंदगी को उत्साह बनाता है. Are you happy? खुश हैं आप? हमारा शुक्र बाबा शिको तो रोबोरी. But I have a long way to go. मेरे पास लंबा रास्ता जाना. Because I am a natural man. क्योंकि मैं स्वाभाविक इंसान हूँ. No, I am a spiritual man. लेकिन मैं अब आत्मिक. No, I am a natural man. मैं स्वाभाविक. Sorry, I am a spiritual man. Sorry, I am a natural man. मैं स्वाभाविक इंसान. Sorry, I am a spiritual man. No, I am a natural man. No, I am a spiritual man. Then I understood. तब मैं समझ गया. I have two person in me. दो व्यक्ति मेरे अंदर में रहता है. Christ is in me. मसीह मेरे अंदर में. But I need a body to carry him. लेकिन मुझे शरीर चाहिए कि मैं उसको लेके चल सकूं. I need to feed this body. मुझे इस शरीर को खिलाना पड़ेगा. I have to drink, give drinks to this body. और मुझे पीना पड़ेगा इस देह के लिए. Hallelujah. So every day, हर एक दिन, the Christian life, मसीही जीवन, is like, ऐसा है, I can draw from the flesh, मैं शरीर से ले सकता हूँ, or I can draw from the spirit, या मैं आत्मा से ले सकता हूँ. Please understand. कृपया समझिए. Every day. हर एक दिन. You have to choose. आपको चुनाव करना पड़ेगा. This natural body. ये शारीरिक स्वभाव. Has no purpose other than to allow Jesus to live inside. और इस शारीरिक देह को दूसरा उद्देश्य नहीं है कि इजाजत दे कि यीशु इसमें रह सके. I feed my belly. मैं अपने पेट को भरता हूँ. Not for this body. इस देह के लिए नहीं. To carry Jesus strong. यीशु को मजबूती के साथ में लेके चल सकूं. Did you understand what I am talking about? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? I need chapati.
मैं चपाती खाता हूँ. Not to live my life. मेरे अपने जीवन जीने के लिए. Somebody is in me. कोई मेरे अंदर में है. He needs a body. और ये है दे. He needs a body. उसको देह की जरूरत है. He doesn't have a body in this world. इस दुनिया में उसके पास देह नहीं है. Because his body is a spirit body. क्योंकि उसका जो देह है वो आत्मिक देह है. So if I come as a spirit, मैं आत्मा के तौर पे आऊंगा. And everybody say, Ezekiel Francis came to the pulpit. और सब बोलेंगे Ezekiel Francis pulpit में आया. And you don't see the body. आप देह को नहीं देखते. Only you hear the voice. आप सिर्फ आवाज को सुनते हैं. You all will faint. आप सब बेहोश होके गिर जाएंगे. To come into the human life. आप इंसानी जीवन में आने के लिए. Jesus needs a human body. यीशु मसीह को इंसानी देह की जरूरत है. Do you understand? समझ रहे आप? 2000 years ago. 2000 साल पहले. Father God made a body for him. और पिता परमेश्वर ने उसके लिए देह बनाया. ब्यूटीफुल बॉडी. सुंदर देह. Fairer than 10,000. 10,000 से भी खूबसूरत. And father said. और पिता ने कहा. मेरा पुत्र. You are going to go into the world. तुम दुनिया में जाओगे. You need a body. तुमको देह की जरूरत है. When you go to sun. जब आप सूर्य में जाएंगे. Or moon. या चंद्रमा में. You cannot go with this body. आप इस देह में नहीं जा सकते. You need a different uniform. आपको अलग कपड़े की जरूरत पड़ती है. When they come to this world, इसलिए जब वो आते हैं इस दुनिया में, they need a different suit. उनको अलग एक सूट की जरूरत पड़ती है. That suit, और वो सूट, is your body. वो आपका देह है. Are you listening what I am talking about? सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? So father made a suit. So परमेश्वर ने सूट बनाया. And he told Jesus. उसने यीशु से कहा. बेटा. You have to go to this world. तुमको दुनिया में जाना है. देखो. आपके लिए मैं अच्छा. अच्छा सूट बनाया. मैं तुम्हारे लिए अच्छा सूट बनाया. From heaven he looked at his suit. और स्वर्ग से उसने अपने सूट को देखा. वाह, डैडी. उसने कहा पिता. आई फील द होल हेवन एंड होल अर्थ. और मैं पूरे स्वर्ग और पूरे इस पृथ्वी को देखता हूँ यहाँ पे. कैसे इतना छोटी बॉडी के अंदर मैं जा सकता हूँ? मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मैं इतना छोटा बदन में कैसे जाऊं? He said, "Yes, you have to go." तब पिता ने कहा, तुमको जाना ही पड़ेगा. A time will come. एक समय आएगा. You will have millions of suits all over the world. तुम्हारे पास करोड़ों अरबों सूट होंगे. All over the world. सारी दुनिया में. You will have a million suit. तुम्हारे पास करोड़ों में सूट Jesus होंगे. Jesus said, "Okay." यीशु ने कहा, ठीक है. He came into the body. वो उस देह में आया. And the body came out of Mary. और मरियम से ये देह निकला. But. लेकिन. That body only is given to him for 33 years. लेकिन ये जो सूट था उसका 33.5 साल के लिए था. Then he went and into that body. और जब वो इस शरीर में गया. Every word. हर एक शब्द. Was Jesus' word. यीशु के शब्द. Every look. हर एक देखना. Was heavenly look. वो स्वर्गीय देखना. Every touch. हर एक स्पर्श. Was God's touch. वो परमेश्वर का स्पर्श. When that body walked. और वो जब देह चला. Heaven walked. स्वर्ग चला. When he came. जब वो आया. Demons trembled. दुष्टात्माएं कांपी. Listen to me. सुनिए मेरी बात. That body was buried. वो देह गाड़ दिया गया. He rose again. वो फिर से जी उठा. He threw this suit. और उसने इस सूट को फेंक दिया. He took back the heavenly suit. वो स्वर्गीय सूट को पहन के गया. Went to the earth, a heaven. अपने स्वर्ग में गया. Now. अभी. His ministry didn't finish. उसकी सेवकाई खत्म नहीं हो गई. He only inaugurated. वो तो सिर्फ उसका उद्घाटन किया. This morning Sudha told you. उस सुबह के समय कहा गया. Jesus ministry was beginning. यीशु की सेवकाई की सिर्फ शुरुआत हुई. That ministry continues through you. और वो
वो सेवकाई आज आपके द्वारा जारी है. For that you are living in this world. और इसी वजह से आप इस दुनिया में जीते हैं. For that you are sent into this world. इसी की वजह से आप इस दुनिया में भेजे गए हैं. You are not just born. आप सिर्फ पैदा ऐसे नहीं हो गए. You are sent to this world. आप इस दुनिया में भेजे गए. On a mission. एक मिशन के साथ. Everybody say. सब लोग बोलिए. मैं अचानक जन्म हुआ नहीं. मैं अचानक स्वर्ग है. स्वर्ग से भेजा गया. स्वर्ग से भेजा गया. स्वर्ग से भेजा गया. स्वर्ग से भेजा किया. On a mission. एक काम के लिए. बोलिए स्वर्ग से भेजा गया एक काम के लिए. ये क्या काम है? वो काम क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना है. यीशु मसीह को ग्रहण करना और उसको दिखाना. और उसको दिखाना है. So let me conclude. मैं पूरे निष्कर्ष में. You don't have a life to live. आपके पास जीवन जीने के लिए नहीं है. Either he lives. या तो वो जिएगा. Or you live. या आप जिएंगे. Choose. चुनाव कीजिए. The moment you say, जिस घड़ी आप ये बात को बोलेंगे, it's not I. अब मैं नहीं. Christ lives. मसीह मुझ में जीता है. You become a blessing. आप आशीष बन जाते हैं. Can I tell you good news? मैं आपको शुभ संदेश दूं. Your mere presence will bless the world. सुनिए, आपका उपस्थिति प्रभु को आशीर्वाद देगा. हालेलुया. हालेलुया. द वर्ल्ड वांट्स टू सी. दुनिया आपको देखना चाहती है. जीसस. यीशु. आपको देखना नहीं चाहता. आपको देखना नहीं चाहती दुनिया. यह दुनिया यीशु मसीह को देखने के लिए. ये दुनिया ईशु को देखना चाहती आपके अंदर. They came to Philip and said, वो आके फिलिप में ये कहा, सर, श्रीमान, we want to see Jesus. हम ईशु को देखना चाहते हैं. We want to see Jesus. हम उसको देखना चाहते हैं. The world wants to see Jesus. ये दुनिया ईशु को देखना चाहती है. Christian means. मसीह का मतलब ये है. क्राइस्ट. क्राइस्ट मसीह. इन मेरे अंदर में. यन. क्राइस्ट यन. क्राइस्ट क्रिस्टियन मतलब मसीह ही बोलते हैं हम लोग. क्राइस्ट मीन्स मसीह का मतलब है द अनॉइंटेड वन. अभिषेक किया हुआ. द क्रिस्टियन मीन्स मसीहत का मतलब है अनॉइंटेड वन. अभिषेक किया गया. क्रिस्टियन प्लीज अंडरस्टैंड. कृपया समझिए मसीह. यू आर नॉट ए क्रिस्टियन मिनिस्टर. यू आर नॉट ए क्राइस्ट मिनिस्टर. आप मसीह के सेवक नहीं है. यू आर ए क्राइस्ट कैरियर. आप मसीह को ले चलने वाले हैं. यू नो व्हाट द डेविल सेज. आपको मालूम है शैतान क्या बोलता है? आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस. मुझे करोड़ों मसीह नहीं चाहिए. सेंड मी वन मैन. एक व्यक्ति को भेजो. वन मैन. एक व्यक्ति को. हु इज दैट वन मैन. वो व्यक्ति कौन है? गोलियात. वो गोलियात.
Send one man. एक व्यक्ति को भेजो. That one man can destroy the works of the devil. वो एक व्यक्ति शैतान के काम को नाश करेगा. हारा सोको रपो रपो रबोला. Wonderful Holy Spirit. अद्भुत पवित्र आत्मा. I don't know. I want to teach you this. Years and years and years. इस बात को मैं आपको सालों साल सिखाना चाहता हूँ. This is the everest truth of the whole Bible. पूरे बाइबल की ये सबसे बड़ी सच्चाई है. The secret of all the secrets. भेद का भेदों में सबसे बड़ा भेद. What is that? वो भेद है क्या? Christ in you. मसीह आपके अंदर. The hope of glory. महिमा की आशा. तमालबास्कन. इराबाबाशिकोत्रोबाताप्रा. Lift your hand and say. अपने हाथ को उठा के बोलिए. यीशु तुम्हारे हैं. That means your ways are my ways. इसका मतलब है प्रभु तेरा मार्ग मेरा मार्ग. बोलिए मेरा मार्ग. बोलिए मेरा मार्ग. यीशु मार्ग. यीशु का मार्ग है. यीशु तू मार्ग है. यीशु तू सत्य है. That's a real life. ये सही जीवन है. यीशु तो जीवन है. यीशु मेरा प्रभु. वन मोर टाइम. एक बार. यीशु तो मार्ग है. माला परिको तो रोशन का मामा कंदो रखा त्रैशिको तोरोबो आबा कंदो त्रैतो कोशिको तोरोबो सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे आबा कतरो शिता take with me to book of John chapter 4 Yohanna uska 4 adhyay and verse 14 uska 14 Yohanna 4 ka 14 and Jeremiah 2 13 Jeremiah 2 uska 13 parantu jo koi us jal mein se piyega jo main use dunga वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. Everybody say it. हर एक व्यक्ति बोलिए. Say it with me. मेरे साथ बोलिए. You have two wells inside. आपके अंदर में दो सोता है. One well एक सोता is your own well. आपका खुद का सोता है. That is a flesh well. वो है शरीर का सोता है. There is another well. एक दूसरा सोता है. That well वो सोता comes to you from heaven. और वो सोता स्वर्ग से आता है. You can take the water from this well or this well. आप
इस सोते से या तो उस सोते से पानी को ले सकते हैं. लेट मी से ऊपर वेल एंड अंदर वेल. हम ऐसा बोलेंगे ऊपर का सोता अंदर का सोता. बाहर वेल और अंदर वेल. बाहर का सोता या अंदर का सोता. आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे. जीसस सेड. यीशु ने कहा. व्हेन यू टेक वाटर फ्रॉम दिस वेल. जब तुम इस सोते से पानी को लोगे. द मोर यू ड्रिंक. जितना तुम पियोगे. द मोर यू विल बी थर्स्टी. उतना तुम प्यासे हो जाओगे. All your life you will drink. जिंदगी भर आप पियेंगे. Again you need more water. आपको फिर से और पानी की जरूरत पड़ेगी. But the water that I give. लेकिन जो सोता मैं तुमको दूंगा. The water that I give. जो सोता मैं तुमको दूंगा. That will be in him. और वो उसके अंदर में होगा. Springing up, उसके अंदर से बह निकलेगा. बहने बगन निकलेगा. बह निकलेगा. For everlasting life. अनंत जीवन के लिए. This lady, ये जो औरत थी, she drank from outside well. ये बाहर के कुएं में से पी. Never satisfied. कभी तसल्ली नहीं पाई. She tried one husband. वो एक पति को कोशिश की. काफी नहीं है. काफी नहीं है. Second husband. दूसरा पति. Third. तीसरा. Fourth. चौथा. Five. पांचवा. Still खाली. ओ फिर भी कुछ हो नहीं रहा. But Jesus said, "Ishu ne kaha, I have your water. Mere paas sota hai. The moment you receive it, jab tu isko grahan karegi, you will never be thirsty. Fir kabhi bhi tu pyaasi nahi hogi. That will be inside. Wo tere andar mein hoga. Bubbling, bubbling. Wo uchhalta rahega. Spring up. Usme se sota beh niklega. Into the everlasting life. Anant jivan ke liye. Please understand. Kripya baat ko samajh. That life is nothing but the water. This nothing but Christ in you. और वो जीवन और पानी और कुछ नहीं मसीह जो आपके अंदर में है. His life in you. ये जीवन आपके अंदर में. His joy in you. जो आनंद आपके अंदर में. His love in you. जो प्यार आपके अंदर में. His power in you. वो सामर्थ आपके अंदर है. So what God says? प्रभु क्या कहता है? You can draw from my well. तू मेरे सोते से पानी को ले. This is what Isaiah 12 says. यही बात को Isaiah 12 बोलता है. Read it, Isaiah 12. Isaiah नबी की पुस्तक 12वां अध्याय. Verse 4. उसका चार वचन. उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो. उससे प्रार्थना करो. सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो. और कहो कि उसका नाम महान है. पढ़ लीजिए. यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं. इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो. हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है. लिसन. सुनिए. They will with joy वे आनंद के साथ भी draw from the wells of salvation. और वो उद्धार के सोते में से खींच रहे थे. Everybody say there is a well inside. बोलिए एक सोता है अंदर. बोली, में बोलिए there is a well inside. बोलिए एक सोता अंदर है. When Jesus life came जहां पे यीशु का जीवन है. Heavenly river came. स्वर्गीय सोता आया. With joy. आनंद के साथ में. You can draw that water. आप उस पानी को हर समय निकाल सकते हैं. Okay, Jeremiah 2:13. यर्मिया 2 उसका 13. क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है. उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता. माई पीपल हैव
done two evil. मेरे लोगों ने दो बुरा काम किया. What's number one evil? पहला क्या बुराई की उन्होंने? They left the fountain. उन्होंने उस सोते को. I am the fountain of their life. मैं उनके जीवन का सोता हूँ. I am the source of their life. मैं उनके जीवन का जरिया हूँ. But they don't pay attention to me. मेरे और उनका ध्यान नहीं है. They dug themselves. उन्होंने खोद लिया है. A small cistern. एक छोटा सा ऐसे गड्ढे को खोद दिया. And they try to draw water. और कोशिश करते हैं पानी निकालने का. But there is no water. लेकिन पानी है नहीं. I have understood. मैं समझ गया. You can live by that natural strength. वो प्राकृतिक बल में आप रह सकते हैं. You can live by the supernatural strength. या आप अलौकिक बल में रह सकते हैं. बोलिए पड़ोसी के बोलिए. बोलिए अपने पड़ोस को. You have a choice. आपके पास चुनाव है. You can dig your own cistern. या तो अपने लिए गड्ढे खोद लीजिए. Or you can draw from the fountain in you. या आपके अंदर जो सोता है उसमें से निकालिए. Did you understand what I am talking about? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? See, for example. उदाहरण के लिए. Before coming here. यहाँ आने से पहले. Last week. पिछले हफ्ता. I don't know the reason. मैं कारण नहीं जानता. My BP went up suddenly. मेरा BP अचानक बहुत रक्तचाप बहुत बढ़ गया. I know the reason. मैं कारण नहीं जानता. Because I didn't take care of this body. और मैं इस शरीर को सही में सुधी रखता हूँ. Years and years I didn't sleep well. और सालों साल मैं अच्छे से नहीं सोए पाया. All of us we pay more attention on the body or we pay no attention on the body. या तो हम बहुत ज्यादा देह में ध्यान रखते हैं या तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं. So I didn't focus much. मैं ज्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं रखा. God has put that treasure. परमेश्वर ने उस संपत्ति को. In this earthen vessel. ये शारीरिक बर्तन में. सब लोग बोलिए हेवनली ट्रेशर. स्वर्गीय धन. बोलिए बोलिए बोलिए. स्वर्ग हेवनली ट्रेशर. स्वर्गीय धन. इन द अर्थन वेसल. ये शारीरिक देह में. से इट अगेन. हेवनली. बोलिए स्वर्ग का धन. ये शारीरिक देह में. आई एम ए स्पिरिट. मैं आत्मा हूं. I live in your body. मैं तुम्हारे देह में रहता हूँ. Did you understand that? समझे आप इस बात को कल का संदेश. Gideon. गिदोन जो था. He took a mud pot. उसने मटके को लिया. मिट्टी का मटका. मिट्टी का पॉट. मिट्टी का मटका लिया. क्या मिट्टी? मटका. मटका. मटका घड़ा. मिट्टी का मटका. यस. मिट्टी का मट लेकर. मिट्टी का मटका लेके घड़ा लेकर. अंदर में लाइट. उसने रोशनी लगाई. दिस इज व्हाट गॉड डिड. यही चीज प्रभु ने किया. ही टुक दिस मिट्टी का मट. मटका. मटका. ये मिट्टी का घड़ा प्रभु ने लिया. मटका. एंड ही केम इनसाइड टू शाइन थ्रू मी. वो मेरे अंदर में आया कि मेरे जरिए चमके. सो व्हाट हैपेंड. क्या होगा. द लाइट टू कम आउटसाइड. इस रोशनी को बाहर निकालने के लिए. सब मिट्टी का मट टूट होना है. और ये मिट्टी का मटका को टूटना जरूरी है. कुछ लोग क्या करता है. कुछ लोग क्या करते. खाना खाना पीना पीना. मिट्टी के मट वो आयन का मट हो गया. कुछ लोग खाना पीना इतना करते हैं. ये मिट्टी का मटका जो है ना ये लोहे के में परिवर्तित हो गया है.
Christ could not come outside. अब मसीह इसमें से नहीं निकल रहा है. आयन मिट्टी का मट नहीं है. अब हम मिट्टी के बर्तन नहीं रह गए. But God is shining inside you. लेकिन परमेश्वर आपके अंदर में कश्माकश में. I want to tell you one good news. एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ. I am born of the Spirit. Say it. बोलिए मैं आत्मा से जन्मा हूँ. I am a spirit. मैं I am a spirit. बोलिए मैं आत्मा हूँ. See, during my Christian life, मेरे मसीह जीवन के दरमियान, only thing that helped me most, एक चीज ने मेरी बहुत सहायता की, is the revelation God gave me. जो प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया. Every time when I get a new revelation, जब कभी मुझे नया प्रकाशन मिलता है, I went into a new level of glory. महिमा के दूसरे स्तर पे चला गया. Not how much you pray, ये नहीं कितना आप प्रार्थना करते. Not how much you run, कितना दौड़ते वो मैंने नहीं रखता. How much God's revelation you get, कितना परमेश्वर का प्रकाशन आपको मिलता है. That will take you to higher glory, to glory, to glory. वही आपको ऊंचे महिमा में लेके चलेगा. One of the greatest revelation I received, मैंने एक बहुत बड़े प्रकाशन को पाया, is वो ये है, I am a spirit man. मैं एक आत्मिक इंसान हूँ. Living in this body. और इस देह में रहता हूँ. And the spirit man. और आत्मिक इंसान. Is shining all over. मेरे तरफ चारों तरफ चमक रहा है. Everybody say my spirit. बोलिए मेरी आत्मा. Is shining spirit. ये चमकने वाली आत्मा. बोलिए my spirit. बोलिए मेरी आत्मा. एक चमकने वाली है. चमक करने वाला है. बोलिए मेरी आत्मा चमकने वाली है. चमकने वाली है. मेरी अंदर मनुष्य, मेरा अंदर का इंसान बिल्कुल चमकने वाला है. बिल्कुल चमकने वाला है. सो एनीवेयर यू गो, कहीं पे भी आप जाएंगे, द अंदर मनुष्य विल है लाइट शाइनिंग. और अंदर का इंसान चमकेगा. So, प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है? परेशानी यहाँ पे कहाँ है मालूम है? और सारे प्रॉब्लम मिट्टी का मट है. और पूरा परेशानी ये मिट्टी का बर्तन है, मटका है. So God says break it. तो उसको बोलता तोड़ना है. The problem with me, I broke it too much. और मैंने मेरे परेशानी हो गई कि मैंने ज्यादा ही तोड़ दिया. That's a problem. ये परेशानी है. Before the time I broke it. इस समय आने से पहले मैंने तोड़ दिया. Gideon said, wait. Till I say, और गिदोन ने कहा इंतजार करना जब तक मैं इशारा ना करूं. Even in my teenage I broke it. और ऐसा है कि फिर भी मैं तोड़ दिया उसको. But still thank God. लेकिन प्रभु का शुक्रिया. The light has blessed the world. और ये जिंदगी ने दुनिया को आशीषित किया है. So what happened? तो क्या हुआ? When the BP went high, जब BP मेरा रक्तचाप, everybody said don't go to Gujarat. सब लोगों ने कहा गुजरात मत जाओ. Now my wife, my spiritual children, before that they will my spiritual Anna, you have to come, Bhaiya, you have to come. Now they say don't come, we will manage, we want you to live. Many और, more years. और ऐसा है कि पहले क्या था, हमारे आत्मिक संतान थे ना, वो बोलते अन्ना आपको आना है, आपको आना है. लेकिन अब वो बोलते हैं अब आप मत आइए, हमें आपकी लंबी आयु चाहिए, हम संभाल लेंगे. My wife says, give me counsel, don't strain anymore. और उन्होंने कहा मेरे को सलाह दो, अपने आप को ज्यादा दबाव में मत रखो. They love me so much. इतना प्यार करते हैं मुझसे. But I gave you a word. मैंने शब्द आपको वचन दिया था. In all my life. मैं जिंदगी भर में. When I gave you a word. जब मैंने शब्द दे दिए. I try to keep that word. मैं कोशिश करता हूँ अपने शब्दों को बना रखूँ. In all my ministry, maybe 2-3 times I would have given a date and couldn't go. मेरे पूरी सेवकाई में 2-3 बार हुआ होगा कि मैंने शब्द कहे और उनको निभा नहीं पाया. Okay, I came. मैं आया. That Dr. Naresh checked my BP. और डॉक्टर ने मेरा BP
चेक किया, इट वॉज जस्ट गोइंग हायर हायर, ऊंचे ऊंचे जा रहा था. And our leaders are doctors. और हमारे जो leaders जो top के हैं, they say please don't allow him to talk. उन्होंने कहा इसको इजाजत मत देना बोलने का. Because when I preach, I get emotionalized. क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ, मैं भावनाओं में बह जाता. So one person saw a dream. एक आदमी ने सपना देखा. As I am preaching, I collapse and die. और एक आदमी ने ये भी सपना देख लिया, भाई के लिए प्रचार करते करते गिर के मर गए. That made me too much fearful. और वो मेरे को बहुत not me, everybody. सबको बहुत डरा दिया. For me, मेरे लिए, for a man of God, going is a promotion. अरे प्रभु के दास के लिए घर जाना तो उन्नति है. ये दुनिया में क्या है? दुनिया में क्या रखा है? But बाहर, I have to be here. लेकिन मुझे यहाँ होना to है. Bring God's word. प्रभु का वचन आपको दूँ मैं. To lead people. ताकि लोगों को उत्साहित करूँ. To raise up sons and daughters. बेटे और बेटियों को खड़ा करूँ. To raise the army of the Lord. प्रभु यीशु मसीह की सेना तैयार करूँ. In 1987 की I heard the audible voice of God. मैं परमेश्वर की आवाज कानों से सुना. He spoke to me in English. उसने अंग्रेजी में मुझसे बात की. He said, "Raise me an army." प्रभु ने कहा मेरे लिए सेना तैयार कर. So the job is not over. So काम खत्म नहीं हुआ. Hallelujah. Hallelujah. So what happened this yesterday? I could not come. कल मैं नहीं आ पाया. This morning I was lying down. आज सुबह लेटा था. I was very disappointed. मैं बड़ा निराश था. I like to see your smiling face. मैं आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना चाहता. I want to talk to you. मैं आपसे बात करना चाह रहा. Sometimes था. I want to scold you also. कभी कभी डांटना भी चाहता था. I enjoy scolding people. मैं बड़ा आनंद लेता हूँ लोगों को डांटने में. So I was missing. मैं ये चीज को खो रहा था. I was sleeping. मैं सोया था. In the morning. सुबह के समय. When I was about to wake up. जब मैं उठने पे था. My spirit. मेरी आत्मा. Not my mouth. मेरा मुंह नहीं. My spirit. मेरी आत्मा. Rose up. उठा. And saying to God. और परमेश्वर से कहा. I have to preach today. मुझे प्रचार करना है आज. I cannot explain you. मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता. Even if I cannot explain, you cannot. Even if I try to explain, you cannot understand. यदि मैं आपको बयान भी करूं, आप समझ नहीं पाएंगे. I have learned over the years. मैंने सालों में इस बात को सीख लिया. Even when I get angry, मैं गुस्सा भी हो जाऊं. I know. मुझे मालूम है. Is it from my spirit? ये मेरे आत्मा से है. Or is it from my flesh? या मेरे शरीर से है जो मैं गुस्सा हो रहा हूं. मेरे को मालूम है. Sometimes I will tell people. कभी कभी लोगों से कहता हूँ. First 15 minutes I was in the spirit. पहला 15 मिनट में आत्मा में गुस्सा आ गया. गुस्सा आ गया. After 15 minutes I stepped into the flesh. और 15 मिनट के बाद मैं शरीर में आया. When you understand that, जब आप इस बात को समझ जाएंगे, your ministry become very specific. और आपकी सेवकाई एक विशेष हो जाती है. You can love people. अभी आप लोगों को प्यार कर सकते हैं. From the flesh. शरीर से. Or you can love people from the spirit. या आप लोगों को प्यार कर सकते हैं आत्मा से. I cannot explain you that. मैं आपको ये बात बयान नहीं कर सकता. You can love your children through soul. आप अपने बच्चों को आत्मा से प्यार कर सकते हैं. You can love your children through the spirit. या आत्म प्राण से आप उसको प्यार कर सकते हैं. Are you able to understand? आप समझ रहे हैं. You can preach. आप प्रचार कर सकते हैं. From your spirit. आप अपनी आत्मा से. Or you can preach from your brain. या आप अपने दिमाग से प्रचार कर सकते हैं. You can run in the flesh. और जब शरीर में आप दौड़ेंगे. You can run in the spirit. आप आत्मा भी दौड़ सकते हैं. You can run your family. आप परिवार को चला सकते हैं. Drawing from the fountain. उस सोते से आप निकाल के परिवार को. Or you can run your family from your own hole. या आप अपने परिवार को अपने होदे से चला सकते हैं.
How many of you understood that? समझ रहे हैं आप लोग कितने लोग समझ गए? How many of you understood that? कितने लोग इस बात को समझे? The one of the secret of Baraka ministry. बराका की सेवकाई की एक भेद की बात ये है. We don't dig our own hole. हम अपने गड्ढा नहीं खोदते. And we don't draw water and give you. हम पानी निकाल के नहीं देते. That's a muddy water. और ये तो कीचड़ वाला पानी होगा. तुरंत खाली हो जाएगा. तुरंत खाली हो जाएगा. We are teaching our people हम लोगों को सिखाते हैं how to draw from the spirit कैसे आत्मा से उस सोते को निकाले. Hallelujah. Hallelujah. There are some people कुछ लोग हैं you cannot love them till you die जब तक आप मरना जाए उनको प्यारी नहीं कर सकते. You cannot नहीं कर सकते. You cannot कहीं नहीं कर सकते. Even when I die मैं मरूंगा भी I will not see him मरने के वक्त भी उसको नहीं देखूंगा. After death why how you will see अरे मरने के बाद क्या है उसके बाद. You know why आपको मालूम है क्यों? He hurt me उसने मुझे चोट पहुंचाया. He betrayed me उसने मुझके निराशा किया. He was unthankful to me वो हर समय अधन्यवादी रहा. I cannot love him उसको प्यार नहीं कर सकता. Never I can love him कभी प्यार नहीं करूंगा मैं. You know what's that आपको मालूम है वो क्या? Your love आपका प्यार is not from the spirit आपका प्यार आत्मा से नहीं है. It's from a small season वो छोटा सा वो होदे you, से है. You scratch it आप उसको खो देते हैं. And you give आप देते हैं. Then it become dry और फिर सूखा हो जाता है. You say I cannot love you anymore और आप बोलते हैं अब मेरे से प्यार तुमको मैं नहीं कर सकता. But when you learn to draw from the spirit लेकिन जब आप सीखते हैं आत्मा से निकालना. When you draw from the spirit जब आप आत्मा से निकालते हैं. Even if he spit on you यदि वो आपके पर थूक भी दे. He will say praise the Lord thank you बहुत धन्यवाद. And you will say और आप कहेंगे Father पिता don't punish him इसको तो आप इसको दंडित he doesn't know what he is doing इसको नहीं मालूम ये क्या कर रहा है. Please understand. कृपया इस बात को समझिए. The fountain love, the spirit love. और जो सोता से जो प्यार निकलता है. A supernatural love. वो अलौकिक प्यार है. But fleshly love. जो संसारिक प्यार है. Is natural love. वो स्वाभाविक प्यार है. I like him. मैं उसको पसंद करता हूँ. I like him. मैं उसको पसंद करता हूँ. Because he is a humble man. क्योंकि वो नम्र व्यक्ति है. That's a natural love. वो है स्वाभाविक प्यार. I know he is a घमंड आत्मी. मैं जानता हूँ ये घमंडी है. He is a झूठा. ये झूठा है. He is a very proud fellow. ये बड़ा घमंडी आत्मी है. पता नहीं. Still I love him. फिर भी मैं उसको प्यार करता हूँ. That's a supernatural love. वो है अलौकिक प्यार. That's a supernatural love. वो है अलौकिक प्यार. Hallelujah. Praise the Lord. See. देखिए the holy life पवित्र जीवन you can try आप कोशिश कर सकते हैं. I know one pastor मैं पासवानों को जानता I heard about the pastor और very beautiful laughing और बहुत अच्छे मैं उनके मुस्कुराहट को भी देखा. Poor man he wanted to be holy man वो व्यक्ति चाहता था कि पवित्र रहे. After preaching प्रचार के बाद one lady came to him एक बहन उसके पास and he said pastor उसने कहा पादरी साहब when you laugh जब आप हंसते you look very beautiful आप बड़े खूबसूरत दिखते हैं. Your tooth is so beautiful आपका दांत इतना अच्छा है. He's very sincere man बड़ा ईमानदार व्यक्ति है. He went to the room वो कमरा गया कमरे he में said Lord उसने कहा प्रभु this woman is tempted my tooth इस, by my tooth इस ये औरत मेरे दांत से परीक्षा में आ गई. You said if the eye offends you pluck it out और आपने कहा प्रभु आंख यदि धोखा दे इसको निकाल देना. So he broke his tooth. उसने अपने दांत तोड़ डाले. Sincere man. बड़ा ईमानदार पादरी. Sincere man. बड़ा ईमानदार. But trying in the flesh. लेकिन कोशिश कर रहा है शरीर में. So next day he came to the pulpit like Mahatma Gandhi. दूसरा दिन वो pulpit में आए तो बिल्कुल महात्मा गांधी बिना दांत के थे. I was thinking.
I was thinking, if another day the lady comes and say, Pastor, your eyes are so beautiful. Where is the end? Listen. Holy life is not trying life. It's not struggling life. It's a supernatural life. A woman came. She already lived with 5 husbands. I can imagine she is very beautiful. कल्पना कर सकते हैं सुंदर रही होगी. Now she is taking the bucket to find a 6th husband. और ऐसा है कि बाल्टी लेके छठवा ढूंढ रही है. Because in those days, उन दिनों में, if they bring the pot to the water exactly mid time, it's for I am available, anybody can approach me. और इसका मतलब जब दोपहर के समय बाल्टी लेके आ रही है वो ये बोल रही है खाली है कोई आना चाह तो आ जाए. Such a beautiful lady comes. इतनी सुंदर औरत है. And Jesus is a 30 years young man. और यीशु मसीह 30 साल का नौजवान. Hormone very high. और उसका हार्मोन बिल्कुल ऊंचे में है. Very beautiful. बड़ी खूबसूरत है. Nobody around. कोई आसपास भी नहीं है. All the disciples went to the city, Surat. सब चेले लोग चले गए सूरत शहर. Only this lady is here. सिर्फ यही औरत यहाँ पे है. This lady doesn't have a big brain. और ये औरत के पास दिमाग लंबा छोड़ा नहीं है. And he said, "Give me a water." और वो कह रही पानी दो. And she is very talkative. और ये औरत बड़ी बतूनी है. She talk था. ये बात करती है. I can understand that lady would have had 10,000 spirit of lust. और मैं ये हो सकता है इसके पास 10,000 अभिलाषाओं की बातें रही होगी. Because one time when you sleep with a man other than your husband, 25,000 demon will enter. सुनिएगा, आप अपने पति को छोड़ के किसी और मर्द के साथ में सोएंगे, 25,000 भूत घुसेगा. Sometimes even the pastors have so many demon. और कभी कभी पादरी लोगों में बहुत भूत घुसा हुआ है. Okay. ठीक है. That's another story. ये तो दूसरी कहानी है. He can preach powerfully. बड़ा प्रभावशाली ढंग से प्रचार कर सकता है. He can cast out the devil also. वो दुष्टात्मा भी निकाल सकता है. That's another story. Now I don't want to come into it. दूसरी कहानी है. मैं उसको बोलना नहीं चाहता. Listen to me. मेरी बात को सुनिए. There, वहाँ पे, it's not his self-control. ये स्वयं का संयम करने का नहीं है. When he looked at the lady, जब उसने औरत को देखा, he didn't draw from the natural well. उसने स्वाभाविक प्यार से नहीं खींचा. He went into the fountain. वो उस सोते के अंदर में गया. From there he took the water. उस सोते से उसने पानी को निकाला. That water made that woman as a mighty evangelist. और उस सोते की वजह से ये औरत उस समय की सबसे बड़ी प्रचारिका बन गई. Please understand. कृपया समझिए. A leprous man come. A leper come. एक कोढ़ी व्यक्ति आता है. How can you heal him? कैसे आप उसको छू? With a natural power or supernatural power? स्वाभाविक से या अलौकिक सामर्थ्य से? Shout it. बोलिए. What power you have to draw? कौन से ताकत आपको निकालना पड़ेगा? I know some people when the demon come they hit. और मालूम है कुछ लोग आते हैं भूत निकालने के लिए देते दाना दन. I have seen some people remove the belt and beat. और मैंने ये भी देखा पादरी साहब लोग को शैतान आया बेल्ट निकाले गदा गदा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में पीट रहे हैं. But demon cannot go with natural power. सुनिए, दुष्टात्मा स्वाभाविक ताकत से नहीं जाएगा. Everybody say. सब बोलिए. Leprosy. कोड़ी. साधारण बल से कभी नहीं जाएगा. कभी नहीं जाएगा. दुष्टात्मा
दुष्ट आत्मा स्वाभाविक ताकत से नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। सेम वे उसी तरीके से होलीनेस पवित्र व्यक्ति इज नॉट बाय योर एफर्ट, आपके बल से नहीं होता, आपके आपके प्रयास से नहीं होता। इट्स ड्राइंग फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सोते से निकालना पड़ता है। लुकिंग इनसाइड जीसस, यीशु के अंदर में देखिए एंड यू से जीसस, बोलिए यीशु, यू आर माय होलीनेस, तू मेरा पवित्र व्यक्ति है। देन द होलीनेस कम्स, और तब पवित्रता आता है। सेम लव, वही प्यार। आई हैव टू फॉरगिव, मुझे माफ करना। आई हैव टू फॉरगिव, मुझे माफ करना है। I have to forgive. मुझे माफ करना। I have to forgive. मुझे माफ करना। I must love. मुझे प्यार करना। I know I have to love. मुझे मालूम है प्यार करना है। No. नहीं। Looking at to Jesus. यीशु को देखते हुए। And His love. उसके प्यार को देखते हुए। Is my love. वो मेरा प्यार है। Okay. ठीक है। I stop with that. मैं इससे बंद करूँगा। Tomorrow you pray. कल प्रार्थना करेंगे। We all come with full of energy. पूरे शक्ति के साथ आएंगे। Morning we will have fasting and prayer. सुबह के समय उपवास और प्रार्थना होगा। The only thing that will change your life. एक ही चीज जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। Is your revelation knowledge. आपके प्रकाशन का ज्ञान। Everybody say it. हर एक व्यक्ति बोले। The revelation. प्रकाशन, the revelation, प्रकाशन of God's word, परमेश्वर के वचन का, will make you holy, आपको पवित्र बनाएगा, will make you loving, आपको प्रेमी बनाएगा, will make you victorious, आपको जयवंत बनाएगा। Everybody say revelation, बोलिए प्रकाशन, from the word of God, परमेश्वर के वचन से, will change your life, आपकी जिंदगी को बदलेगा। It's not your prayer, ये आपकी दुआ नहीं। It's not your fasting, आपका उपवास नहीं। It's the revelation from the Bible, परमेश्वर के वचन से प्रकाशन। Hallelujah, Hallelujah. Maybe tomorrow, हो सकता कल, we will see some of the basic revelations, और हम देखेंगे कि कैसे प्रकाशन मिले। That will help us to walk in victorious life and ministry, और हम एक जीवन भरा जीवन अपनी सेवकाई में चल सके। स्टैंड अप प्लीज, कृपया खड़े हो जाएं। Everybody say it, Father. सब बोलिए पिता। Open my eyes. मेरे आँखों को खोल दे। Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आँखों को खोल दे। Open my spiritual ears. मेरी आत्मिक कानों को खोल दे। Open my spiritual ears. मेरी आत्मिक कानों को खोल दे। Open my spiritual senses. मेरे आत्मिक विवेक को खोल दे। I need the revelation. मुझे प्रकाशन चाहिए। From your word. आपके वचन From your word, आपके वचन से, आपके वचन से, all these years, ये सारे साल, I tried, मैं कोशिश किया, I tried to dig my own well, मैंने अपने कुएं खोदे, that didn't give me water, कि वो मुझे पानी देगा, but now, लेकिन अभी, I change my focus, मैं अपनी दृष्टि को बदलता हूँ, into the उसमें फाउंटेन ऑफ लाइफ जीवन के सोते में। एवरीबॉडी से क्राइस्ट इन मी, सब लोग बोले मसीह मेरे अंदर। इज द फाउंटेन ऑफ लाइफ, वो जीवन का सोता है। फ्रॉम दैट उससे आई ड्रॉ माय पावर, मैं अपने सामर्थ को लेता, ड्रॉ माय स्ट्रेंथ, मेरे बल को लेता हूँ, ड्रॉ माय हीलिंग, मेरी चंगाई को लेता हूँ, ड्रॉ माय एनर्जी, मैं अपने बल को लेता हूँ, ड्रॉ माय लव, मेरा प्यार को लेता हूँ। इट्स नॉट My love, मेरा प्यार नहीं, it's Christ love, मसीह का प्यार, in me, मेरे अंदर, it's not my holiness, मेरी पवित्रता नहीं, it's Christ holiness, मसीह की पवित्रता, in me, मेरे अंदर। Thank you Lord, धन्यवाद, hallelujah, यीशु तु मार्ग, यीशु तु
सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता Everybody lift up your hand and say, Father. सब अपने हाथ उठा के बोलिए, पिता. Oh Father. पिता. I need the spirit of revelation. मुझे आत्मा का प्रकाशन चाहिए. Open our eyes, Lord. मेरी आँखों को खोलिए प्रभु. To see the fountain in our spirit. हमारे आत्मा में जो सोता है उसको देख सकूं. Yes, Father. Pita. We commit tomorrow into your hand. कल हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं. Reveal your word. अपने वचन का प्रकाशन देना. Let your people walk in the revelation of your truth. तेरे लोग तेरे प्रकाशन की सच्चाई में चले. We want to draw हम उस सोते में से लेना from the wells of our salvation. हमारे उद्धार के सोता से हम निकलना चाहते हैं. We want to sow in our spirit. हम अपनी आत्मा में हम बोना चाहते हैं. We lived enough in the flesh. हम शरीर में काफी जी लिए प्रभु. We step out of it. हम इसमें से बाहर निकलते हैं. And we want Christ to live his life in us. हम चाहते मसीह अपनी जिंदगी हमारे अंदर में जी. In Jesus' name. यीशु